इस वीडियो में हम बात करेंगे 197 कम्युनिकेशन के बारे में, जहाँ पे आज के दिन अगर हम बात करेंगे तो शेयर में हमें गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद शेयर में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आया हमें। उसके बाद कह सकते हो कि कहीं ना कहीं अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि आज के दिन शेयर में गिरावट नज़र आ रहा है हमें। वहीं पर आप देखेंगे कि देखिए कंपनी ऑलरेडी अगर देखा जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर से नहीं, आप जाके अगर देखोगे तो अकॉर्डिंग टू NSE डायरेक्ट वहाँ पर मैंसन किया गया है कि पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार कंपनी यहाँ पे लॉस मेकिंग कर रहा था। बट इस बार अगर हम बात करेंगे तो इस बार क्या हुआ कि जो परफॉर्मेंस है क्वार्टर बेसिस पे आप देखेंगे यहाँ पे, वो हमें नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें प्लस में आते हुए दिखा आप देखेंगे यहाँ पे, और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला और एकदम से कह सकते हो कि बड़ी बड़ी तेज़ी नज़र आया। पिछले 5 दिन की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो कुछ 2.75% की तेज़ी है, बट आज के दिन कह सकते हो 3% से ऊपर का गिरावट अभी दिख रहा है हमें। अब देखते हैं कि क्लोजिंग टाइम तक कितना गिरावट रहता है, मार्केट क्लोज होता है उस टाइम तक। अब बात करेंगे यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में एक एक करके इसी वीडियो में, इसी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में गिरावट की वजह क्या निकल के आ रहा है और भी कुछ इन्फॉर्मेशन एक एक करके हम इसी वीडियो में देख लेंगे। यहाँ पे पेटीएम शेयर प्राइस टूडे ऑन पेटीएम शेयर प्राइस डाउन कुछ इतना परसेंट आप देखेंगे यहाँ पे, आज ही का न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ऑन टेक्निकल फ्रंट आप देख सकते हो स्टॉक इज ट्रेडिंग है वो शॉर्ट टर्म सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 5, 10, 20 डे एज वेल एज लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेजेस 50, 100 एंड 300 डेज। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन द क्लासिक पिवोट लेवल्स आप देखेंगे एनालिस्ट, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे और भी कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। टिल 1 PM टूडे द वॉल्यूम ट्रेडेड ऑन NSE एंड BSE पेटीएम वॉज आप देखेंगे कुछ इतना परसेंटेज हायर देन द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। वॉल्यूम ट्रेडेड एंड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर अलॉन्ग विद द प्राइस स्टडी ट्रेंड पॉजिटिव प्राइस पर मूवमेंट विद द हायर वॉल्यूम सजेस्ट ए सस्टेनेबल अप मूव एंड नेगेटिव प्राइस मूवमेंट हैज़ हायर वॉल्यूम माइट बी एन इंडिकेशन ऑफ फर्दर डिक्लाइन इन प्राइजेज। ओवरऑल अगर हम बात करें एज पर मिंट टेक्निकल एनालिसिस, इस जो भी यहाँ पे साइड पे न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है इस कह सकते हो इस मिंट साइड पे, तो ओवरऑल अगर हम बात करें एज पर मिंट टेक्निकल एनालिसिस द स्टॉक इज करेंटली एक्सपीरियंसिंग ए स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड कह सकते हो एक्सपीरियंस कर रहा है स्टॉक अभी के टाइम में। अब उसके बाद अगर हम बात करें फॉर फ्रॉम ए फंडामेंटल एनालिसिस परस्पेक्टिव द कंपनी हैज़ आप देखेंगे ROE ऑफ कुछ इतना परसेंटेज माइनस एंड द मीडियन ऑफ 1 ईयर फोरकास्ट में देखने को मिल रहा है। मीडियन 1 ईयर फोरकास्ट अपसाइड ऑफ दिस शेयर इज 16.82% विथ ए टारगेट प्राइस 624 का कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और द कंपनी आप देखेंगे प्रमोटर का होल्डिंग और MF होल्डिंग जो भी कह सकते हो कि बाकी MF होल्डिंग हैज़ इंक्रीज 0.04% से 0.08% इन सितंबर क्वार्टर। तो कह सकते हो सितंबर क्वार्टर में MF का होल्डिंग थोड़ा इंक्रीज होते हुए दिखा हमें 0.04 से 0.08%। अब बात करें द FIs का होल्डिंग हैज़ डिक्रीज 20.48% से 18.02% हुआ। FIs की तरफ से भी क्वाली हमें यहाँ पे दिखने को मिला है यहाँ पे अगर हम बात करें। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे न्यूज़ में और भी कुछ तो ये कुछ मेंशन किया गया है। अब बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, थोड़ा और भी कुछ यहाँ पे देख लेते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल। जैसे कि आपको पता है आप देखेंगे और भी कुछ यहाँ पे न्यूज़, मतलब अलग अलग साइड पे काफ़ी सारे न्यूज़ निकल के आते हुए हमें दिख रहा है। अब बात करें यहाँ पे आप देखेंगे इस साइड पे क्या न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है। देखेंगे यहाँ पे पेटीएम शेयर गेट एन अपग्रेड फॉर CT बट टारगेट रिमेन एज वेल बिलो IPO प्राइस। जो भी आप देख सकते हो यहाँ पे आउट ऑफ 18 एनालिस्ट दैट हैव कवरेज ऑन देखेंगे 197 कम्युनिकेशन पेटीएम, 7 ऑफ देम हैव बाई रेटिंग। 7 का बाई रेटिंग है, 18 एनालिस्ट में कह सकते हो कि 7 का बाई रेटिंग है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे 6 से होल्ड और 6 होल्ड के, और यहाँ पे 5 ऑफ देम हैज़ सेल रेटिंग, और 5 एनालिस्ट का कह सकते हो कि सेल रेटिंग है। तो आप यहाँ पे न्यूज़ में पूरा देख सकते हो कि 5 ऑफ देम हैव सेल रेटिंग ऑन द स्टॉक। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू CNBC TV18.com पे आप देखेंगे न्यूज़ में मेंशन किया गया है कितने एनालिस्ट का सेल में रेटिंग है, कितने बाई का, और जो भी कह सकते हो यहाँ पे एक एक करके हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है देखेंगे। ब्रोकरेज फॉर्म जेफरीज मेंटेन ए होल्ड रेटिंग ऑन पेटीएम विथ टारगेट प्राइस 700। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम बात करें अभी के टाइम में कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो जैसे कि आपको पता है कि एक ही दिन में ज़बरदस्त तेजी आया है और 700 के ऊपर ही चला गया है। तो आप देखिए कि न्यू टारगेट्स क्या निकल के आते हुए दिख रहा है, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो ये कुछ कह सकते हो कि मतलब कह सकते हो यहाँ पे देखने को मिल रहा है फिलहाल जेफरीज का टारगेट क्या है और भी कुछ एनालिस्ट का क्या है।
अब इतने एनालिस्ट का कह सकते हो गिरावट का, इतने एनालिस्ट का मतलब तेजी का टारगेट निकल के आते हुए दिख रहा है, 24 कल के दिन का न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर हम बात करें तो वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। दिस वीडियो इज ऑनली फॉर एजुकेशन पर्पज।